जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे। ऑपरेटर शोषण मुक्त भारत बनाने के लिए साथ दीजिए, सहयोग करिए। और आज का वीडियो में बताएंगे, जो ऑपरेटर भाई का संस्था का रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है लेकिन उनका अकाउंट नहीं खुला है। इतना दिन से आप लोग पर्सनल अकाउंट पर सहयोग करते थे लेकिन एक हफ्ता या 15 दिन के अंदर संस्था का नाम से अकाउंट खुल जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। अभी जो भी अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है लेकिन जब यूनियन के नाम से अकाउंट खुल जाएगा वो अकाउंट का नाम होगा ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन, लेकिन उसमें फीस भी बढ़ जाएगा। अभी जो फीस चल रहा है उसका डबल हो जाएगा फीस, अब वही हमेशा रहेगा। ये बात नहीं है कि उसके अगला साल फीस डबल हो जाएगा, ऐसा बात कुछ नहीं है। और दोस्तों, आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं और जितना भी सपोर्ट किए हैं, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी ऑपरेटर भाई YouTube चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर संस्था का मनोबल बढ़ाता है। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, बीच में कुछ तबीयत भी खराब था, घर पर भी आए हैं। और दोस्तों, हम सभी से, आप जितने भी ऑपरेटर हैं सभी से आग्रह करेंगे कि एकता जरूर बनाइए आपस में, एकता जरूरी है। और एक मदारपुर में मीटिंग रखा गया है फिर से। अगर ये बात नहीं है कि अभी केवल सिवान, छपरा, गोपालगंज जिला का ऑपरेटर रहेंगे, हर बिहार के हर जिला से, यूपी के हर जिला से, जिनको भी नज़दीक पड़ रहा है आने का, अगर उनको चाहत है हमसे मुलाकात करने के लिए, उनको चाहते हैं आप लोग, तो आप बेफिक्र आ सकते हैं। आपको हम रहने का भी व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। आपको कैसे आना है, अगर कोई अगर अदर दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो उनके लिए भैया आप सीधा पटना आइए या छपरा आइए या सिवान आइए, ये तीन जगह का स्टेशन, कोई भी रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं। वहाँ से अगर पटना आए हैं तो पटना से सीधा सिवान वाला बस पकड़ना है, सिवान वाला या गोपालगंज वाला। वहाँ पर आपको मलमलिया जगह का नाम है, चौराहा है, वहाँ पर आपको उतर जाना है। वहाँ पर जो हमारी टीम है आपको बुला लेके जाएगी, वहाँ से 4 किलोमीटर है मदारपुर। और अगर छपरा से आ रहे हैं तो छपरा से सीधा भगवानपुर रास्ता से आइए, सीधा मलमलिया आइए। और ईश्वापुर आके होके आ रहे हैं तो सीधा मसरक, 22 कट्ठा, मलमलिया। सिवान से आ रहे हैं तो सीधा सिवान से डायरेक्ट मलमलिया आइए। अगर कोई ऑपरेटर भाई गोपालगंज जिला से आ रहे हैं तो सीधा गोपालगंज जिला से महम्मदपुर चौक, महम्मदपुर चौक से मदारपुर। ये मीटिंग आप लोग को 17 तारीख को 10 बजे रखा गया है। और इस मीटिंग में ऑपरेटर का एक रूल्स बताया जाएगा कि ऑपरेटर पर जो अत्याचार हो रहा है, ऑपरेटर का एक रूल्स नियम कानून लागू हो जाएगा कि उनको 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करना है, पेमेंट कितना मिलेगा, और 8 घंटे के बाद ड्यूटी कर रहे हैं तो कितना वेतन मिलना चाहिए, ये सब वहाँ पर रखा जाएगा मुद्दा। और वहाँ पर बहस चलेगा कि देखिए, हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग का भी सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, आप लोग का भी आइडिया चाहिए। जो मेरे पास आइडिया है वो आप लोग के पास नहीं है, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। इसके चलते एक बार बैठक होगा, हम सभी ऑपरेटर से निवेदन करेंगे, जैसे भी पोकलेन, ग्रेडर, वहाँ पर पेमेंट भी तय कर दिया जाएगा कि बिहार में मशीन चला रहे हैं तो कितना पेमेंट होना चाहिए, और केरला में मशीन चला रहे हैं तो कितना पेमेंट होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं तो कितना पेमेंट होना चाहिए, असम में चला रहे हैं तो कितना पेमेंट होना चाहिए। और आप लोग को एक टर्म कंडीशन बता दिया जाएगा कि ऐसा इस तरह काम करना है, अगर मशीन चला रहे हैं तो मशीन छोड़ के घर नहीं जाना है। अगर आप मशीन छोड़ के घर जा रहे हैं तो भैया आपका संस्था जिम्मा नहीं लेगा, अगर आपका पेमेंट फंसेगा तो। आपको मशीन पर रुकना है, अगर आपका पेमेंट फंसा हुआ है, कोई भी समस्या है, मशीन छोड़ के नहीं जाना है, संस्था को जरूर इन्फॉर्म करना है। अभी अकेले हम हैं, आगे चल के यूनियन का जब अकाउंट खुल जाएगा, यूनियन के अकाउंट खोलने के लिए हम लोग कल ही जा रहे हैं मंडे को,
सोमवार को, मंडे को जाएंगे हम लोग, हाँ मैं संदीप भैया, और वहाँ पर यूनियन के अकाउंट खोलने के लिए क्या प्रोसेस है और कि करेंट अकाउंट खुलता है, ठीक है, तो करेंट अकाउंट खोलने के लिए क्या प्रोसेस है हम लोग ब्रांच में जाके पूछ लेंगे कोई भी बैंक में, और जैसा हम लोग का सुविधा लगेगा वैसा हम लोग करेंगे। और दोस्तों अकाउंट खोलने के बाद वहाँ दो किसी को बैठाया जाएगा, दो तीन आदमी को बैठाया जाएगा, उनको पेमेंट दिया जाएगा सैलरी। कि अकेला हमारे पास फ़ोन आता है आईडी कार्ड कैसे बनवाएं, उनको भी समझाना पड़ता है। हम सभी को बोलते हैं भैया वीडियो देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा आईडी कार्ड बनवाने से क्या लाभ है। और आईडी जॉब के लिए फ़ोन आता है कि हमको रोज़गार चाहिए, यहाँ पर जॉब चाहिए, वहाँ पर जॉब चाहिए, लेकिन जॉब रहता है कभी हम भूल जाते हैं किसको जॉब देना है, फ़ोन आता है यहाँ का यहाँ से वहाँ से तो हम भी भूल जाते हैं। तो इसके चलते एक मेंबर को बैठाया जाएगा। और तीसरा नंबर बात है कि जो अभी हमारे पास कॉल आता है समस्या के लिए, मेरा पेमेंट फंस गया, मैं यहाँ बैठा है, ये समस्या समाधान करिए, तो वो समस्या के भी समाधान करने के लिए आदमी को बैठाया जाएगा। तो दो तीन मेंबर को बैठाया जाएगा, उनको सैलरी दिया जाएगा संस्था की तरफ से। आप सभी से हम जो आईडी कार्ड बनवाने के लिए आप लोग सहयोग कर रहे हैं, तो हम आईडी कार्ड बनवाने के लिए नहीं, आपको ज्वाइनिंग करने के लिए सहयोग आप लोग दे रहे हैं, और आप लोग का सहयोग से ही संस्था आगे बढ़ेगा। आज जब संस्था आगे बढ़ेगा, जब हम सब ऑपरेटर भाई मिलकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम भी ऑपरेटर हैं आपके जैसा, हम भी एक एक्सीवेटर चलाते हैं, हम भी पोकलेन ऑपरेटर हैं, हम भी समस्या झेल चुके हैं। तो इसके चलते समस्या आता है, हम भी इस लाइन से गुजर चुके हैं। अभी हमको भी दो महीना हुआ मशीन छोड़ के, और हम और एक महीना मेहनत करेंगे संस्था के लिए, और जो भी होगा, जो अगर हमसे किसी को प्रकार के कोई गलती होगा तो आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि हर समय हर किसी का मूड या माइंड एक तरह नहीं होता। कभी हम किसी को कुछ बोल भी दिए होंगे गलत सलत, तो हमको क्षमा करिएगा, और आप लोग साथ आइए, एक साथ चलिए, क्योंकि ये संस्था केवल हमारे फ़ायदा के लिए नहीं, हम सब ऑपरेटर भाइयों के लिए बना है। और आप लोग आईडी कार्ड जरूर बनवाइए। देखिए आईडी कार्ड बनवाने के बाद अगर आपका पेमेंट फंसा है, पहले फंसा है उसका जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपका पेमेंट फंसा है तो आपका पेमेंट निकल सकता है। और आपको कोई अभी जैसे ये दुर्घटना हो रहा है, तो दुर्घटना के बावजूद भी मुआवजा कहीं कहीं नहीं मिलता है, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि उनका तो दुर्घटना हो गया, उनका परिवार को आपको नहीं दे सकते हैं, वो तो ज़िंदा नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो मुआवजा दे सकते हैं ना उनके परिवार को, आर्थिक सहयोग तो उनको मिल सकता है। और एक ऑपरेटर था अखिलेश यादव देवरिया जिला के, उनका पेमेंट फंसा था मुंबई में पेमेंट फंसा था, तो हमारे पास कॉल किए थे, वहीं पे थे जब ही, तो हम उनको बताए थे कि मशीन छोड़ने से पहले आप हमको एक बार इन्फॉर्म करिएगा, तो इन्फॉर्म किए, वो वहाँ पर उनको 5,000 की 6,000 दिया गया और बाकी 15,000 के 16,000 रुपये उनको बाकी था। वो मालिक बोला, हम मालिक से बात किए तो मालिक बोला कि हम 5 तारीख को पैसा डाल देंगे। हम ये आईडियो भी डाले थे यूट्यूब चैनल पर, आप लोग भी सुने होंगे। और आप लोग तो फिर से 5 तारीख को फ़ोन नहीं किए, ऑपरेटर भाई फ़ोन नहीं किए मालिक के पास कि पैसा दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन उनकी उसके बाद हम फ़ोन किए उनको 7 तारीख को फ़ोन करके बोले कि भैया इनका पैसा क्यों नहीं दिए, तो वो बोल रहे हैं कि ऑपरेटर हमको फ़ोन नहीं किए और हमको भी भूल गए थे। तो आप एक बार याद दिला दीजिए, और मालिक का भी गलती है, मालिक जब काम कराते समय तो उनको याद आता है कि कितना घंटा मशीन चलवाना है और कैसा मशीन चलवाना है, और पेमेंट देने का समय भूल जाते हैं, तो ऐसे सब गलती नहीं होना चाहिए। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दूसरे ऑपरेटर भाइयों को भी बताइए, जो ऑपरेटर भाई समझे नहीं है
उनको भी बोलिए कि YouTube पर जाकर सर्च करिए ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। जय हिंद, जय भारत।